आज तो अपना स्कूल के लिए खाना बन रहा है, बन रहा हूँ। ये तो राइस हस पाउडर है, पानी तो गर्म हो चुका है। अच्छे से पानी गर्म करके उसी को ऐसे डालना है। कटा छोटा छोटा कट के रखा हुआ है, वो भी डालूंगा। पानी और भी डालते हैं। राइस हस्क पाउडर थोड़ा डालते हैं और भी, और पत्ता को भी थोड़ा डालते हैं, क्योंकि गरम होते होते पता को भी कम हो जाती है। अच्छे ढंग से ऐसे हिलाते रहना है जब तक पता सब नरम नहीं होगा, हिलाते रहना है। नॉर्थ ईस्ट में तो सारे आदमी ने सुअर का मीट पोक तो खाते हैं, लेकिन सिर्फ खाने से तो नहीं होता है, कैसे पालना है और पिक को क्या क्या खिलाते हैं, सुअर को क्या क्या खिलाते और खिलाते हैं, वो भी जानना चाहिए, समझना चाहिए। गांव में भी ऐसे पालते हैं और इसी तरह चैन से हिलाते रहना है। और ये तो स्पेशली सिर्फ सुअर के लिए है, पिक के लिए है। पिक के लिए होने से भी अच्छे से चलाना है, पकाना है, खाने से भी टेस्ट हो सकता, मीठा हो सकता है। कोई लोग तो सिर्फ राइस हस्क पाउडर बना के पका के भी खिलाता है, और ऐसे पानी ठंडा पानी से भी मिक्स कर, अच्छे से मिक्स करके खिलाता है, लेकिन हम लोग तो ऐसे नहीं है। सुअर का घर, पिग हाउस है। हाउ टू मेक किकिंग फीड इन होम, कैसे सुअर खाने के लिए और पिलाने के लिए कैसे बनता है, गांव में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा दूंगा। आदमी लोग भी इसी तरह खाने से तो मजबूत हो सकता है, ठंडा पानी से मिक्स करना है। और ये गुटी गुटी भी सुअर को खिलाता है, ये भी थोड़ा थोड़ा हमेशा थोड़ा थोड़ा देना है, हो गया। और सुअर को उसका खाना खिलाने से पहले हम उसका पैखाना, ये सब को पैखाना, ये सब सफाई करना है। ये भी एक दिन में एक बार बस सफाई करना है, उसका घर पैखाना ये सब वगैरह, खाना उसका खाना वगैरह ये सब भी एक दिन में एक बार बार सफाई कर देना है। उसका पैखाना ये सब को हर दिन सफाई करना है। इसे सब ऐसे करने से तो शोर भी अच्छा हो सकता है, बीमार भी नहीं, बीमार ही पड़ सकता है शायद।
ले। अभी देख कितना तेज खा रहा है, देखो इसी तरह सुअर को पालना है, वाइल्ड एनिमल जैसे नहीं पालना है। और इसका घर भी ऐसे थोड़ा सफाई रहने देना चाहिए। देखो सुअर भी एकदम सफा हो गया, अभी तो मैंने धोया था ना, ऐसे सुअर को साफ साफ रहने देना चाहिए। लुई 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 लुई